वेलकम। आज का हमारा टॉपिक है थर्ड थिएटर। जैसा कि हम सब जानते हैं, 1960 का दशक विश्व रंगमंच के परिपेक्ष में विविध प्रयोगों का दशक रहा है। इसी दशक में ग्रोथोवस्की के पुअर थिएटर, रिचर्ड शेखनर के एनवायरमेंटल थिएटर, ओगस्तो वॉल का थिएटर ऑफ ऑपरेस्ट, इस विभिन्न तरह के प्रयोगों का जन्म हुआ और वो सिद्धांत रूप में, अवधारणा के रूप में गढ़ा गया और नाटक के नए प्रयोग के रूप में जाना गया। अब जब 1960 के दशक में इस तरह के प्रयोग हो रहे थे, तो यह कैसे संभव था कि इन रंग आंदोलनों का प्रभाव भारतीय रंगमंच पर नहीं पड़ता भला? सो इनका प्रभाव भारतीय रंगमंच पर भी पड़ा, और इसी प्रभाव के कारण 1970 के दशक में भारतीय रंगमंच में एक नई अवधारणा का जन्म होता है, जिसे हम थर्ड थिएटर के नाम से जानते हैं, जिसे बादल सरकार ने, जिस अवधारणा को हमारे समक्ष रखा और इस अवधारणा को हम थर्ड थिएटर के नाम से जानते हैं। तो आज हम मूल रूप से थर्ड थिएटर के बारे में ही जानेंगे, समझेंगे। बादल सरकार जन्म 15 जुलाई 1925 और मृत्यु 13 मई 2011। बादल सरकार न सिर्फ बांग्ला रंगमंच के बल्कि भारतीय रंगमंच के उन प्रमुख व्यक्तित्व में से एक हैं जिनके बिना रंगमंच की कल्पना भी, आधुनिक रंगमंच की बातचीत पूरी नहीं हो सकती। अतः बादल बाबू पर विशेष रूप से चर्चा करना आवश्यक प्रतीत होता है। बादल बाबू पेशा से इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग के कारण वो देश विदेश में घूमा करते थे। इसके अतिरिक्त 1951 में इन्होंने अभिनय आरंभ किया और 1956 से नाटक लिखना आरंभ किया। इस तरह से बादल बाबू अभिनेता, नाटककार, निर्देशक और सिद्धांतकार, इन तमाम रूप में हम बादल सरकार को जानते हैं। भारतीय रंगमंच के लिए उन्होंने अपना नाट्यालेख, नाट्य लेखन की गतिविधि 1956 में जो शुरुआत की, वो कॉमेडी नाटकों से शुरू किया। फिर कॉमेडी नाटक के बाद उन्होंने गंभीर नाटकों की रचना की और फिर तमाम तरह के नाटकों की रचना करते हुए उन्होंने कुल 60 नाटकों की रचना। तो ये एक महत्वपूर्ण योगदान है बादल सरकार का भारतीय रंगमंच में। बादल सरकार रंगमंच करते हुए महसूस करते हैं कि भारत में ग्रामीण क्षेत्र में एक अलग सांस्कृतिक गतिविधि होती है, एक अलग सांस्कृतिक धारा है। वहां का जो रंगमंच है वो बिल्कुल ही अलग तरह का रंगमंच है और शहरी क्षेत्र में अलग सांस्कृतिक धारा है और अलग तरह का रंगमंच मौजूद है। तो भारत में दो तरह के रंगमंच को वो महसूस करते हैं। शहरी क्षेत्र में जिस तरह का रंगमंच होता है उसे हम आधुनिक भारतीय रंगमंच के नाम से जानते हैं, और ये रंगमंच निश्चित तौर पर शहरों में पैदा हुआ और वहीं इसका विकास हुआ, जिसे हम आज भी देख सकते हैं कि आधुनिक भारतीय रंगमंच का जो क्षेत्र है वह शहर ही है। शहर से बाहर आज भी आधुनिक भारतीय रंगमंच अपनी पैठ नहीं बना पाई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में, हमारे गांव में आज भी एक अलग तरह का रंगमंच होता है, जिसे हम पारंपरिक भारतीय रंगमंच कह सकते हैं, परंपराशील भारतीय रंगमंच कहते हैं और लोक रंगमंच के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो
इस तरह से शहर दो रंगमंच हो गए, एक परंपराशील या पारंपरिक या लोक रंगमंच जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र में होते हैं, और दूसरा शहरी क्षेत्र में होने वाला आधुनिक भारतीय रंगमंच। जो शहर में रंगमंच हो रहा है जिसे हम आधुनिक भारतीय रंगमंच कह रहे हैं, इसकी अपनी कुछ खास विशेषताएं हैं, तो आइए उन विशेषताओं पर एक नजर डालते हैं। जो आधुनिक भारतीय रंगमंच है, जो शहरी रंगमंच है, उसमें जो 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 सभी नाटक होते हैं, प्रायः सभी नाटकों का मंचन एक बंद प्रेक्षागृह में होता है, और बंद प्रेक्षागृह में भी खासतौर पर प्रोसीनियम रंगद्वारी एक चौखट्टे मंच के भीतर इसका प्रयोग होता है, इसका मंचन किया जाता है। दूसरा, प्रोसीनियम मंच में अभिनेता और दर्शक, इनके बीच एक दूरी हमेशा से बरकरार रहती है। तीसरा, प्रोसीनियम मंच में अभिनेता प्रकाश में रहता है और दर्शक अंधेरा में रहते हैं। इस तरह से शहरी रंगमंच का एक विशेष पक्ष है आर्थिक पक्ष। अब यह निश्चित रूप से महंगा हो रंगमंच है, क्योंकि प्रेक्षागृह सहित नाटकों के पूर्वाभ्यास और मंचन के लिए जो तामझाम है, इन सब में बहुत सारे खर्च होते हैं, और इनकी जितनी खर्च की राशि है अगर सच माना जाए तो टिकट से जो कलेक्शन होते हैं दर्शक के द्वारा, वह कुल खर्च का 10वां हिस्सा भी टिकट से हम कलेक्शन नहीं कर पाते। तो निश्चित तौर पर यह रंगमंच जो है या तो ग्रांट पर निर्भर करता है, किसी तरह का अनुदान मिले या कोई उद्योगपति द्वारा किसी न किसी तरह का आर्थिक सहायता मिले, या कुछ उत्साही अभिनेता खुद अपने जेब से लगा करके कुछ एक नाटक करने की कोशिश करते रहते हैं, या संरक्षक के रूप में हम किसी धनाढ्य व्यक्ति को अपने संस्थान में जोड़ कर रखते हैं। तो इस तरह से हमारा यह रंगमंच चलता है, जो आर्थिक रूप से एक भारी भरकम आर्थिक सहयोग की जिसे जरूरत होती है। और ये दशा कमोबेश 1960-70 के दशक में भी थी और आज के दशक में भी। आजादी के बाद जब भारतीय रंगमंच में व्यावसायिक या पारसी रंगमंच समाप्त हुआ, और सिनेमा के व्यवसाय में जब पारसी रंगमंच ने अपने आप को शिफ्ट कर लिया, तो उसके बाद रंगमंच और सिनेमा आमने सामने होने लगे। वैसे तो भारत में व्यावसायिक रंगमंच के रूप में हम सिर्फ और सिर्फ पारसी रंगमंच या कुछ व्यावसायिक रंगमंच को जानते हैं, उसके बाद व्यावसायिक रंगमंच तो भारतीय रंगमंच में उस तरीके से उभर कर सामने आया ही नहीं जिससे खर्च ऊपर किया जा सके। लेकिन जो पारसी रंगमंच था, जो कि भारतीय रंगमंच का व्यावसायिक पक्ष था, वह भी सिनेमा के उद्भव के बाद, सिनेमा के विकास होने के बाद सिनेमा में धीरे धीरे शिफ्ट होता चला गया, और उन्होंने अपने व्यवसाय को वहां शिफ्ट कर लिया, तो जिस वजह से व्यावसायिक रंगमंच का जो एक स्पेस था जिससे पैसे आने की बात थी, वो खत्म हो गई। उधर दुनिया भर में 1950 के बाद रंगमंच और सिनेमा और टेलीविजन, इन तीनों को आमने सामने रखकर देखा जाने लगा। रंगमंच की प्रतियोगिता, प्रतिस्पर्धा लोगों ने सिनेमा और टेलीविजन से करना शुरू किया। सिनेमा और टेलीविजन एक अलग माध्यम है और रंगमंच एक अलग माध्यम है। ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दोनों माध्यम में बहुत हद तक समानता है, लेकिन समानता होते हुए भी जो एक मूल अंतर है वो ये है कि रंगमंच हमेशा एक लाइव आर्ट, एक जीवंत कला है जिसमें अभिनेता और दर्शक आमने सामने होते हैं, और अभिनेता के पसीने के गंध को भी दर्शक मैं कई सारे नाट्य रूपों में महसूस कर सकते हैं, और किसी भी तरह की प्रतिक्रिया देनी है तो उसे दर्शक तुरंत दे सकते हैं। इसको एक दूसरे उदाहरण से समझा जा सकता है कि पारसी रंगमंच में जैसे
दर्शक को कोई दृश्य या किसी अभिनेता का कोई संवाद अच्छा लगता था या कोई अभिनय का हिस्सा अच्छा लगता था तो दर्शक वंस मोर कहती थी और अभिनेता को वही संवाद या वही दृश्य पुनः करके दिखाना होता था। मान लीजिए कि मैं एक पारसी अभिनेता हूं और मुझे मेरे मरने का दृश्य है, मैं मरता हूं और दर्शक को बहुत अच्छा लगा मेरा मरना, तो फिर दर्शक कहता कि वंस मोर, तो फिर मुझे मरने के बाद उठ करके फिर से मरना होता और फिर दर्शक कहता वंस मोर, तो फिर मुझे, तो ये एक लाइवनेस दर्शक और अभिनेता के बीच का जो रिश्ता है ये सिर्फ और सिर्फ रंगमंच में ही संभव है, सिनेमा में संभव नहीं है। चाहे कितना भी अभिनेता अच्छा अभिनय कर रहा हो लेकिन दर्शक किसी भी प्रतिक्रिया सिनेमा के माध्यम में कभी भी अभिनेता तक नहीं पहुंच सकती है। और तो स्वाभाविक है कि जो ये सिनेमा और रंगमंच के बीच जो एक प्रतिस्पर्धा हो रही थी, इस प्रतिस्पर्धा के कारण, रंगमंच सिनेमा से मुकाबला करने के कारण और यथार्थवादी नाटकों के दबाव के कारण मंच पर विभिन्न तरह की झांकियों और दृश्यों का बोझ लिए हुए चल रहा था, जिसके बारे में बादल बाबू कहते हैं कि यह प्रतिस्पर्धा आत्मघाती था, आत्मघाती प्रवृत्ति। कहते हैं कि रंगमंच का अपना विशेष चरित्र है और वो उसी के सहारे रंगमंच पनपता है और वो उसका विशेष चरित्र है लाइवनेस, और उसी के सहारे वो अर्थवान बन सकता है। उसको कभी भी सिनेमा और टेलीविजन से मुकाबला करने की आवश्यकता नहीं है। तो सिनेमा से प्रतिस्पर्धा और 50-60 के दशक में भारतीय रंगमंच में यथार्थवाद के चरम प्रभाव के कारण प्रोसीनियम मंच पर अनेक यथार्थवादी दृश्यों का रचना की जाने लगी। ऐसे में बादल बाबू सबसे पहला काम जो करते हैं कि वो अपने रंगमंच से सेट, लाइट, कॉस्ट्यूम, इस तरह के ताम झाम के प्रभावों से स्वयं को और स्वयं के नाटक को मुक्त कर देते हैं। आप इस तरह का प्रयोग पहले भी ग्रोतोवस्की के रंगमंच में भी देख सकते हैं। और बादल बाबू भी यहां पर उसी प्रभाव के कारण या संभवतः उस प्रभाव के बिना भी सेट, लाइट और कॉस्ट्यूम से खुद को मुक्त कर लेते हैं। फिर उन्होंने महसूस किया कि प्रोसीनियम जो है इससे बाहर रंगमंच किया जाना चाहिए, तो इस तरह से वो प्रोसीनियम से बाहर निकलने की भी आवश्यकता महसूस करना शुरू कर। अब जैसा कि हम सब जानते हैं कि बादल बाबू इंजीनियर थे और इंजीनियरिंग के कारण उन्हें पेशागत आवश्यकता के कारण उन्हें प्रायः विदेशों में जाने की आवश्यकता रहती थी और यात्रा करते रहते थे, जिस कारण से विदेशों में जो रंगमंच है और जो रंग आंदोलन हो रहे हैं, जो रंग प्रयोग हो रहे हैं, उनसे उनका परिचय रहता था और वे विभिन्न नवीन रंग प्रयोगों को देखते समझते रहते थे। तो इन सब परिस्थितियों के बीच बादल सरकार ने एक नई अवधारणा को जन्म दिया जिसे उन्होंने कहा थर्ड थिएटर। अब ये थर्ड थिएटर की अवधारणा क्या है इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि पूर्व में ही कहा जा चुका है कि भारत में दो तरह के रंगमंच हैं। पहला रंगमंच भारतीय पारंपरिक लोक रंगमंच जो गांव में होते हैं और दूसरा रंगमंच शहरी क्षेत्र में होने वाला आधुनिक रंगमंच। तो दो रंगमंच को हम जानते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के पारंपरिक लोक रंगमंच की अपनी कुछ विशेषताएं हैं, आइए जरा इनको हम समझने की कोशिश करें। पहली बात तो ये कहीं भी मंचित हो सकता है,
इसके मंचन में आर्थिक रूप से अधिक खर्च नहीं होता है, यह अभिनेता केंद्रीय रंगमंच होता है, पर इसमें कथा जो होती है वो प्रायः देवी देवताओं और जीवन से कटे हुए यथार्थ के जीवन और समाज से कटी हुई कथाएं होती है, वो प्रायः देवी देवताओं की कथाएं होती है, राजाओं की कथा और मिथकीय चरित्रों की कथाओं को लेकर के ये रंगमंच बढ़ता जाता है। दूसरी तरफ शहरी रंगमंच की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं, यह बंद प्रेक्षागृह में होता है, प्रोसीनियम मंच पर दर्शक और अभिनेता के बीच दूरियां होती है, विशेष प्रकाश सेट आदि की आवश्यकता होती है, यह अधिक खर्चीला होता है, वैचारिक रूप से समाज में बदलाव लाने के मुद्दे पर आधारित नाटक इसमें मंचित किए जाते हैं। तो बादल बाबू कहते हैं कि ये जो दो धारा हमारे पास है, किसी भी एक रंगमंच के धारा का चुनाव कर और दूसरे रंगमंच के धारा की भर्त्सना करना ठीक नहीं होगा। हम ये कहें कि हमारा पारंपरिक भारतीय रंगमंच जो है वो बहुत अच्छा है, या ये कहें कि नहीं भारतीय आधुनिक भारतीय रंगमंच बहुत अच्छा है, आधुनिक रंगमंच या पारंपरिक लोक रंगमंच के किसी एक को चुन करके उसकी हम किसी एक रंगमंच को चुन करके हम उसकी विशेषता को लेकर के सिर्फ उसकी बड़ाई करें और किसी दूसरे रंगमंच को उस आधार पर हम छोटा दिखाएं या भर्त्सना करें, ये ठीक नहीं होगा, ये बादल बाबू कहते हैं। और इस दोनों तरह के रंगमंच की अपनी क्षमताएं हैं और अपनी दुर्बलताएं हैं, ऐसा बादल बाबू मानते हैं। बादल बाबू मानते हैं कि लोक रंगमंच की अपनी क्षमताएं हैं, लेकिन क्षमताएं हैं तो साथ में दुर्बलताएं भी हैं उसमें, और आधुनिक रंगमंच की अपनी क्षमताएं हैं और क्षमताएं हैं तो दुर्बलताएं भी हैं। इसलिए बादल बाबू इन क्षमताओं और दुर्बलताओं को तलाश कर एक नए रंगमंच की अवधारणा को विकसित करते हैं, यानी इन दोनों रंगमंच की क्षमताओं को लेकर के मिला करके एक नए रंगमंच की अवधारणा को विकसित करते हैं, जिसे वो थर्ड थिएटर कहते हैं। फर्स्ट थिएटर पारंपरिक लोक रंगमंच की क्षमताओं को पहचान कर, उसे ग्रहण कर, उसकी जो अच्छाइयां हैं उसे ग्रहण कर, और आधुनिक रंगमंच की जो अपनी क्षमताएं विशेषताएं अच्छाइयां हैं उसे ग्रहण कर एक नया रूप देते हैं, एक नई अवधारणा की रचना करते हैं बादल सरकार, जिसे वो थर्ड थिएटर के नाम से जानते हैं। वो थर्ड थिएटर कहते हैं। बादल सरकार थर्ड थिएटर को अनेक बार अल्टरनेटिव थिएटर भी कहते हैं। वो कहते हैं कि थर्ड थिएटर मात्र सिद्धांत नहीं है और ना ही केवल कोई शैली है, नाट्यालेख और प्रस्तुति दोनों में से किसी की भी ना ही केवल यह शैली है और ना ही मात्र यह सिद्धांत, बल्कि यह एक वैकल्पिक रंगमंच है। वैकल्पिक रंगमंच किसके विकल्प में? जाहिर है कि यह रंग आंदोलन जो प्रोसीनियम के खिलाफ रंग आंदोलन जो पूरे दुनिया में चल रही थी, तो प्रोसीनियम से बाहर निकल करके मंचित किए जाने के लिए एक वैकल्पिक स्पेस की जरूरत थी। तो उस वैकल्पिक रंगमंच के बारे में इशारा करते हैं बादल बाबू और कहते हैं कि यह एक वैकल्पिक रंगमंच है। वो थर्ड थिएटर को बार बार वैकल्पिक रंगमंच या अल्टरनेटिव थिएटर के रूप में अभिहित करते हैं। उस कहते हैं यह अपने आप में एक दर्शन है, एक फिलॉसफी है, ये एक विजन है, एक दृष्टि है, ये एक आंदोलन है थर्ड थिएटर और अल्टरनेटिव थिएटर। ये अपने आप में एक सिद्धांत मात्र नहीं है, वो है कोई नाट्य लेखन या नाट्य प्रस्तुति की शैली मात्र नहीं है, बल्कि ये एक फिलॉसफी है,
ये अपने आप में एक आंदोलन है, ये अपने आप में एक विजन है। तो हम देखें कि ये वैकल्पिक रंगमंच या अल्टरनेटिव थिएटर या थर्ड थिएटर जिसे हम कहते हैं, इसके क्या गुण हो सकते हैं। तो पहला गुण जो होना चाहिए उसमें, वो होना चाहिए कि ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी प्राइमरी क्वालिटी होनी चाहिए, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में लचीलापन होना बहुत जरूरी है। यह कहीं भी और कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। थर्ड थिएटर और अल्टरनेटिव थिएटर कहीं भी और कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सेकेंड वन इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबल मतलब कहीं भी बाहर ले जाने में इसकी जो आवश्यक वस्तुएं हैं ऐसी होनी चाहिए कि उसे हम सहजता के साथ कहीं भी ढो सकते हैं, कहीं भी ले जा सकते हैं, ले आ सकते हैं, ढोया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर कोई भारी भरकम सेट लाइट कॉस्ट्यूम की तो बात नहीं होगी। अगर कोई भारी भरकम सेट लाइट कॉस्ट्यूम होगी तो फिर वो ढोने में मुश्किल होगी। तो ऐसी चीजें आपको ऐसी चीजों के माध्यम से अपने नाटक को गढ़ना है जिसको आप आराम से एक झोले में रख करके कहीं भी ले जा सकते हैं, एक पोटली बांध करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो इस तरह की वस्तुओं का, या आप हाथ में लटका करके कहीं भी ले जा सकते हैं। तो ये पोर्टेबिलिटी इसका सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, दूसरी विशेषता है। और तीसरी इनएक्सपेंसिव, इसे हर हाल में सस्ता होना है। निश्चित तौर पर जब सेट लाइट कॉस्ट्यूम मेकअप का भार और प्रेक्षागृह को बुक करने का भार, ये सारे भार जैसे ही मुक्त होंगे तो ये रंगमंच स्वाभाविक रूप से सस्ता हो जाएगा। कई बार तो बादल बाबू अपनी एक प्रस्तुति के लिए मैक्सिमम 1,000 या 100 रुपए खर्च करने की बात करते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, संभवतः 100 रुपया या 1,000 रुपया, 1,000 रुपया तक ही है ये, कि इससे ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए। जबकि मुझे याद आ रहा है कि 100 रुपया होना चाहिए। खैर जो भी हो, 1,000 रुपया भी कोई बहुत बड़ी राशि है नहीं, इतना ही वो अपने किसी थर्ड थिएटर के नाटक के लिए खर्च करने की बात करते हैं। इसके बाद इसमें दर्शक की भागीदारी पर बल दिया जा रहा है। मतलब कि बादल बाबू कहते हैं इसके लिए कोई स्वतंत्र मंच की आवश्यकता नहीं है, एक ही स्पेस होगा जिसमें ऑडियंस भी होंगे और एक्टर भी होंगे, एक ही धरातल पर, एक ही स्पेस पर। ऐसा नहीं कि धरातल, अब एक ही स्पेस में दो धरातल, एक चौकी लगा करके थोड़ा ऊंचा कर लिए, कोई हट्टे वट्टे लगा करके कुछ ऊंचा कर लिए, नहीं, एक ही धरातल पर दर्शक और अभिनेता दोनों अभिनय कर रहे हैं, दोनों का अभिनय एक ही धरातल पर किया जाएगा, दोनों एक ही धरातल पर होंगे। और कई बार अभिनेता और दर्शक के बीच में सीधा सीधा इंटरेक्शन होगा, संवाद होगा, और दर्शक से अभिनेता जब चाहे तब सीधा संपर्क स्थापित कर सकता है। तो अब थोड़ा सा हम लोग थर्ड थिएटर में अभिनय के बारे में समझने की कोशिश करें। निश्चित तौर पर एक नए प्रयोग के तौर पर यह रंगमंच है, तो इसमें अभिनय की भी जो शैली है वो प्राचीनतम जो शैली है, जो जो प्रोसीडियम का स्टाइल है, वही स्टाइल का अभिनय तो इसमें नहीं हो सकता है। तो इसमें थर्ड थिएटर के रंगमंच में मानव शरीर पर ही और मानव के ध्वनि, मानव द्वारा उत्पन्न किए गए ध्वनि पर ही अधिकतर बल दिया जाता है। नाटक के वातावरण निर्माण करने के लिए, दृश्य निर्माण करने के लिए निश्चित तौर पर किसी सेट और प्रॉप्स की उस तरीके से जरूरत नहीं महसूस की जाती है, और सेट और प्रॉप्स का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है, तो फिर वो कैसे संभव है?
कि वो वातावरण निर्माण कैसे हो, तो वो अभिनेताओं के शरीर से, अभिनेताओं के शरीर का रचनात्मक उपयोग करता करते हुए नाट्य दृश्य के वातावरण का, नाटक के वातावरण का निर्माण किया जाता है और उस वातावरण को कई अभिनेताओं के शरीर मिलकर के रचते हैं, तो निश्चित तौर पर अभिनेता के शरीर के क्रिया पर बल होता है। इसमें इम्प्रोवाइजेशन का बहुत महत्व होता है और अभिनय में मूवमेंट, रिदम, माइम, दृश्य संरचना, शारीरिक भंगिमाओं के द्वारा भाव को प्रकट करने का कार्य, इस पर बल दिया जाता है। किसी भी बात को कहने के लिए शारीरिक भंगिमाओं को ज्यादा, जैसे कि प्रोसिनियम थिएटर का एक्टर अगर बोले तो वो बोलेगा मुझे प्यास लगी है, और हर थिएटर का अभिनेता अगर बोलेगा तो वो सबसे वो कहेगा कि मुझे प्यास लगी है, तो वो अपने शरीर के द्वारा, भंगिमाओं के द्वारा भाव को व्यक्त करेगा और ये कार्य थर्ड थिएटर के अभिनय में बल दिया, इन सारी चीजों पर बल दिया जाता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बादल बाबू ने फर्स्ट थिएटर यानी भारतीय पारंपरिक लोक रंगमंच से स्पेस, जो स्थान है वो लचीलापन और अभिनेता केंद्रित होने के तत्व को ग्रहण किया। फर्स्ट थिएटर से जो उन्होंने ग्रहण किया वो क्या क्या है, स्पेस, एक ही धरातल पर अभिनेता और दर्शक का होना या कहीं भी होना, उसका लचीलापन कि कहीं भी वो प्रस्तुत किया जा सकता है, उसके लिए किसी प्रोसीनियम, किसी खास बनावट की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद अभिनेता केंद्रित, आप देखेंगे कि लोक रंगमंच में भी मंच सज्जा, प्रकाश और इस तरह की चीजों के उपयोग नहीं किए जाते हैं, बल्कि अभिनेता अपने शरीर से ही प्रायः नाट्य वातावरण की रचना करता है। तो इन तत्वों को पहले रंगमंच से बादल बाबू ग्रहण करते हैं और दूसरे रंगमंच यानी आधुनिक रंगमंच से उस वैचारिक क्षमता को, समाज में बदलाव लाने की वैचारिक क्षमता को ग्रहण करते हैं, वो जिस मुद्दे के आधार पर रंगमंच सामाजिक बदलाव का कार्य आधुनिक रंगमंच में करता रहा, तो उस मुद्दों को, वैचारिक आंदोलन को ग्रहण करके वो लाते हैं और इन दोनों तरह के थिएटर को, दोनों तरह के गुणों को मिला करके वो थर्ड थिएटर के रूप में इसे रूप देते हैं, विकसित करते हैं, इस अवधारणा को विकसित करते हैं। इसके लिए उन्होंने आंगन मंच और मुक्ताकाश मंच, दो तरह के मंच की चर्चा की। आंगन मंच मतलब किसी भी गृह के अंदर एक ऐसा स्पेस जहां सब लोग एक साथ इकट्ठे बैठ सकते हो, वो किसी एक कमरे का बड़ा सा हॉल भी हो सकता है या फिर घर के बीच में एक आंगन होता है जैसा हम सब के यहाँ, और उस आंगन में हमारे घर की महिलाएं खासतौर पर जमा होती हैं, काम करती हैं, तो उस तरह के आंगन का भी हम परफॉर्मेंस के लिए उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह के मंच, उस तरह के स्पेस के लिए उन्होंने जिस शब्द की चर्चा की है वो आंगन मंच है। और मुक्त आकाश मंच, जैसा कि शब्द से ही हम जानते हैं कि मुक्त आकाश, खुले आकाश के नीचे कहीं भी किया जाने वाला प्रस्तुति मुक्त आकाश मंच के प्रस्तुति। तो थर्ड थिएटर निश्चित तौर पर बाय नेचर प्रोसीनियम थिएटर के अगेंस्ट खड़ा होता है,
ये हम देख सकते हैं। थर्ड थिएटर की कल्पना साकार होती है 1972 में, जब बादल बाबू स्पार्टाकस नाटक का मंचन अपने ग्रुप शताब्दी थिएटर के अभिनेताओं के साथ करते हैं बंगाल में। तब पहली बार थर्ड थिएटर की चर्चा करते हैं, हालांकि इसके विचार पहले से ही उनके भीतर चल रहा था, लेकिन थर्ड थिएटर का आरंभ वहीं से माना जाता है। अब इस विशेष प्रकार के रंगमंच के लिए बादल बाबू ने कुछ विशेष तरह के नाटकों की रचना भी की। अब वैसे तो बादल बाबू के बहुत सारे प्रमुख नाटक हैं, एवं इंद्रजीत, पगला घोड़ा, सारी रात, बाकी इतिहास, ये सब उनके गंभीर नाटक हैं, लेकिन ये सारे प्रोसीनियम में किए जाने वाले नाटकों की श्रेणी में आते हैं। अब बादल बाबू 1972 के बाद जिस तरह के नाट्यालेख में जुड़ते हैं, वो नाटक प्रोसीनियम मंच के लिए नहीं, बल्कि वो थर्ड थिएटर के लिए नाटक का लेखन करना शुरू करते हैं। पहले जब नाटक वो लिखते हैं तो उसमें एक प्रोसीनियम के लिए जब नाटक लिखा जाता है तो उसमें एक विशेष चरित्र होता है, उस चरित्र की कहानी होती है, दो चरित्रों की टकराहट से नाटकीय स्थिति उत्पन्न होती है, तो वो प्रोसीनियम रंगमंच का थिएटर होता है। लेकिन जब थर्ड थिएटर के नाम के लिए नाटकों की रचना होती है तो उसमें चरित्र विशेष के बजाय समूह विशेष पर बल दिया जाने लगता है, और वो चरित्र विशेष के बजाय इंद्रजीत के नाम आने के बजाय वहां पर कोर व्यक्ति एक, व्यक्ति दो, व्यक्ति तीन, व्यक्ति चार, इस तरह के पात्र आने शुरू होते हैं। उसी तरह से पुजारी या महंत, जो पूरे के पूरे धार्मिक समुदाय का कैरेक्टर होता है, उसका प्रतीक के रूप में आना शुरू होता है। तो उस तरह से एक नए नाट्यालेख की परंपरा थर्ड थिएटर के लिए उन्होंने आरंभ किया, और जिसमें प्रमुख नाटक है स्पार्टाकस से, जैसा हम जानते ही हैं कि आरंभ ही हुआ है थर्ड थिएटर का, उसके अलावा मिचिल को हिंदी में जुलूस के नाम से हम लोग जानते हैं, जो बहुत ही लोकप्रिय हुआ है, सगीना महतो, ये पहले प्रोसीनियम के लिए उन्होंने लिखा था, प्रोसीनियम में पहले इसका मंचन हुआ था, और बाद में उसको फिर से उन्होंने थर्ड थिएटर के लिए करना शुरू किया। भोमा, बासी खबर, ये सब उनके प्रमुख नाटक हैं जो थर्ड थिएटर के लिए लिखे गए हैं। तो इस तरह से बादल सरकार के रंगमंच पर कहीं ना कहीं बादल सरकार के द्वारा जो अवधारणा प्रस्तुत की गई है थर्ड थिएटर की या अल्टरनेटिव थिएटर की, इस अवधारणा में कहीं ना कहीं हमें ग्रोतोवस्की के और रिचर्ड शेखनर के और ऑगस्टो बॉल के रंगमंच के प्रभाव देखने को मिलता है। अब थर्ड थिएटर का जो भारतीय परिप्रेक्ष्य है वो यहीं हम समाप्त करते हैं, लेकिन विश्व के परिप्रेक्ष्य में थर्ड थिएटर को लेकर के एक और अवधारणा है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करना मैं आवश्यक समझता हूं। थर्ड थिएटर की अवधारणा को विश्व परिप्रेक्ष्य में यूजीन भारवाद के अवधारणा के रूप में भी हम जानते हैं। थर्ड थिएटर के रूप में यूजीन वारवा ने एक नए तरह की रंगमंच की कल्पना की है, और जिसके ऊपर एक बुक है टू वर्ड्स द थर्ड थिएटर, और आप रुकलेज से वो प्रकाशित है, आप चाहे तो उस बुक को पढ़ सकते हैं। तो बारवा ने जो थर्ड थिएटर की कल्पना की है उसकी मैं थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूं। यूजीन वारवा
कहते हैं कि दो तरह का रंगमंच है। यूजीन वर्मा बार-बार भी दो तरह के रंगमंच की चर्चा करते हैं। एक तरह के रंगमंच वो कहते हैं कि जो शैक्षणिक रंगमंच, जो एजुकेशनल थिएटर है, जिसको प्रोटेक्ट किया गया है, उसको फर्स्ट थिएटर के रूप में वो कहते हैं, जिसको अनुदान दिया जा रहा है और जिसकी मदद की जाती है सरकारी तौर पर, वो फर्स्ट थिएटर के तौर पर। सेकंड थिएटर के तौर पर वो कहते हैं कि वो अवांतगार्ड, वो प्रयोगशील रंगमंच, जो हमेशा रंगमंच की एक नई भाषा है, एक नए प्रयोग को, नई भाषा को गढ़ने के लिए लगातार प्रयोग करते रहता है, तो उस तरह के रंगमंच को हम अवांतगार्ड रंगमंच कहते हैं। तो अवांतगार्ड के रंगमंच को सेकंड थिएटर के रूप में योजन बार-बार कहते हैं। फर्स्ट थिएटर यानी एजुकेशनल थिएटर, इंस्टीट्यूशनल थिएटर इज फर्स्ट थिएटर, एंड सेकंड थिएटर अवांतगार्ड थिएटर इज सेकंड थिएटर। तो इस दो तरह के रंगमंच के अलावे भी एक रंगमंच ऐसा है जिसका अभिनेता न प्रशिक्षित होता है उस तरीके से, और ना ही वो उस तरीके से प्रोफेशनल माना जाता है, लेकिन वो लगातार रात दिन रंगमंच करते रहता है, और लगातार रंगमंच करते हुए वो रंग कार्य में ही पूरा जीवन व्यतीत कर देता है। तो उस तरह का जो रंग, फिर भी उसके रंगमंच की जो पहचान है वो स्वतंत्र रूप से कहीं नहीं होती है, या तो उसे कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशनल थिएटर या फिर कहीं ना कहीं अवांतगार्ड थिएटर के छाया के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह के जो गौण रंगमंच हैं, इस रंगमंच को थर्ड थिएटर के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने देखने की कोशिश की। अगर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम कहें तो उस तरह के रंगमंच जो हमारे गांव में आज भी होते हैं, जिसको हजारों साल से प्रैक्टिस के रूप में लोग कर रहे हैं, या हमारे गांव में जो गोल नाटक मंडली होती है जो लगातार रंगमंच कर रही होती है, प्रस्तुति कर रही होती है, लेकिन उन प्रस्तुतियों को हम कहीं भी उसके रंगकर्मियों को हम कहीं भी उस तरीके से स्थान नहीं दे रहे होते हैं। हमारे गांव में ही जैसे आप मान लें कि काली पूजा, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली जैसे पर्व में नाटक होते हैं, तो उस रंगमंच को हम लोग कोई खास स्थान नहीं देते हैं। इस तरह के जो रंगमंच हैं, इस रंगमंच को कहीं ना कहीं योजन वार्वा शायद थर्ड थिएटर के रूप में रखने की बात कही है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूंगा कि मैं जो भारतीय परिपेक्ष में उदाहरण दे रहा हूँ वो हूबहू और सटीक योजन वार्वा के थर्ड थिएटर के एग्जाम्पल उदाहरण के रूप में नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य जो रंगमंच के हैं वो अपने आप में अलग हैं, और पाश्चात्य रंगमंच का जो परिप्रेक्ष्य है, यूरोपीय रंगमंच का जो परिप्रेक्ष्य है, वो बिल्कुल ही अलग है। तो हूबहू उदाहरण के लिए हमारे पास उस तरीके से कोई एग्जैक्ट उदाहरण नहीं है थर्ड थिएटर के रूप में। योजन वार्वा किसको थर्ड थिएटर भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन ये बहुत क्लियर है कि योजन वार्वा ने भी फर्स्ट थिएटर के तौर पर जो चर्चा की वो इंस्टीट्यूशनल थिएटर की बात की, और सेकंड थिएटर की जो बात की वो अवांतगार्ड के थिएटर की बात की। अवांतगार्ड यानी लगातार प्रयोगधर्मा रंगमंच, जो रंगकर्म की एक नई भाषा को गढ़ने के लिए लगातार प्रयोग करते रहता है, तो उस तरह के रंगमंच को सेकंड थिएटर कहा। इंस्टीट्यूशनल थिएटर फर्स्ट थिएटर वो जिसको कि संरक्षण प्राप्त होता है केंद्र से, सत्ता से, और तरह 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 के जो मदद होते हैं, तो इसके बीच में जो एक तरह का रंगमंच जो ना इस तरफ है ना उस तरफ है, वो जो बीच का रंगमंच है उसको उन्होंने थर्ड थिएटर के तौर पर परिभाषित करने की कोशिश की। तो योजन वार्वा के थर्ड थिएटर की चर्चा यहाँ इसलिए करना आवश्यक मैं समझ रहा था कि अगर विद्यार्थी को किसी ने थर्ड थिएटर के साथ योजन वार्वा की का नाम ले तो उन्हें चौंकने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि विशेष रूप से जानने के लिए उन विद्यार्थियों को मैं सलाह दूंगा कि वो योजन वार्वा का जो टूवर्ड्स द थर्ड थिएटर है उसे पढ़ें। और आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं, और इसी के साथ थर्ड थिएटर की अवधारणा मुझे लगता है कि स्पष्ट हो गई होगी,
और थर्ड थिएटर की अवधारणा के ऊपर और कोई नया लेक्चर नहीं दिया जाएगा।